हाय दोस्तों, मेरा नाम है पराग पाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास एक कॉलम आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ठीक है, और उस कॉलम की अगर आपको ये जो मैट आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, इस स्टील मैट की आपको अगर क्वांटिटी निकालनी है, ओके, कि कितना स्टील वहाँ पर है, तो आप आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद निकाल पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि काफी आसानी से और काफी कम टाइम में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो ये समझ लो कि यहां पे मैं जो आपको कैलकुलेशंस बताने वाला हूं मैट के, उसमें मैंने बेंड कंसीडर नहीं किए हैं। ठीक है, जैसे यहां पे ऐसे स्ट्रेट बार्स है, ठीक है, ऐसे ही हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे स्ट्रेट बार हम मान के चल रहे हैं कि ऐसी ये है। ठीक है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, इसमें ऐसे बेंड्स भी होते हैं, 90 डिग्री बेंड होते हैं। ठीक है, तो इसको ऐड करने के लिए आपको सिर्फ लेंथ में 90 डी ऐड करना होता है, बट वो आज मैं इसमें कवर नहीं कर रहा हूं, उसके लिए एक नया वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, तो जस्ट टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास 3 फीट बाय 3 फीट की एक मैट है, या फिर मैं यहां पे बोलता हूं स्टील मैट है। ठीक है, राइट, तो स्टील मैट हमारे पास है 3 फीट बाय 3 फीट की, जिसमें 6 वर्टिकल बार्स है और 6 बार जो है वो हॉरिजॉन्टल बार्स है। ठीक है, ओके, नाउ अभी टोटल बार हमारे पास कितने हो गए, फिर टोटल बार्स जो हो गए, ओके, वो हो गए हमारे पास 12 नंबर्स। ठीक है, अब 12 बार मेरे पास होने के बाद अब मैं सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करूंगा कि भाई एक बार का वेट क्या है, और उससे मैं 12 बार को मल्टीप्लाई कर दूंगा, एकदम सादा कैलकुलेशन है। तो अभी हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेट ऑफ 1 बार। ठीक है, वेट ऑफ 1 बार इन केजी। ठीक है, तो किलोग्राम में मुझे निकालना है। तो सबसे पहले जो भी आपका स्टील बार होता है, ठीक है, ये होता है उसका डायमीटर, और यहां से लेके ये होती है उसकी लेंथ। ठीक है, तो यहां पे अगर मुझे एक कोई फार्मूला दे दे तो मैं आपके लिए कितना अच्छा रहेगा। तो यहां पे जस्ट कंसीडर करता हूं कि जो बार डायमीटर है, ठीक है, वो मैं यहां पे कंसीडर कर रहा हूं कि वो रहेगा मेरा 10 mm का, और उसके बाद अब मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि भाई बार की जो लेंथ है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, वो है मेरी 3 फीट की, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल दिया भाई 3 फीट बाय 3 फीट का मेरा है। तो 3 फीट मतलब कितना हो जाएगा, 0.9144 मीटर, ये मेरा मीटर में हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये निकालना है कि बार का वेट कितना रहेगा। तो बार वेट निकालने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा बार वेट इक्वल्स टू, ठीक है, वो रहेगा W इक्वल्स टू डी स्क्वेयर अपॉन 162 इंटू लेंथ। तो D कितनी है मेरा 10, ठीक है, तो 10 स्क्वेयर अपॉन 162 इंटू लेंथ कितनी होगी मेरी 0.9144। तो यहां पे मेरा बार वेट निकल जाएगा 0.564 किलोग्राम। ठीक है, तो देखो आ गया। अब आप सब आसानी से जानते हो कि मैं आपके पास अगर 12 बार है और एक बार का वेट अगर इतना है, तो आप क्या करोगे दोस्तों, टोटल वेट ऑफ बार निकालोगे। तो यहां पे निकालोगे टोटल वेट ऑफ 12 बार्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 12 इंटू ये वाला एक बार का वेट 0.564, कितना हो जाएगा ये 6.768 kg। ठीक है, तो इतना सिंपल था कि अगर आपके पास कुछ इस टाइप का, ठीक है, अगर आपके पास मैट है तो आप उसको एकदम इजी तरीके से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।